रविवार को तेलंगाना से बहुत बड़ी खबर आई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर दिया। बसपा मुखिया ने पूर्व आईपीएस अफसर और तेलंगाना बीएसपी के अध्यक्ष आरएस प्रवीण को तेलंगाना के मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया है। मायावती ने कहा कि अगर तेलंगाना में बसपा की सरकार बनती है तो आरएस प्रवीण ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे। आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ, अर्थात जब हमें यह सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री या बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री आर एस प्रवीण कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वह बीआरएस लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये यूपी की तरह ही यहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरे दिल से आदर सम्मान देंगे। आरएस प्रवीण एक मिशनरी नेता हैं जिन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़कर तेलंगाना में बसपा को बहुत मजबूत किया है। उनके नाम का ऐलान करके मायावती ने न सिर्फ तेलंगाना की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इस साल नवंबर दिसंबर तक तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे और अगर विधानसभा चुनाव में बसपा जीत जाती है तो इसका असर अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी होगा। तेलंगाना में लोकसभा की करीब 17 सीट हैं और अगर बीएसपी ने 17 लोकसभा सीटों को जीतने में कामयाब रहती है या उसमें एक बड़ा नंबर जीत जाती है तो ये देश की राजनीति में बड़ा असर डालेगा, इसका एक बड़ा संदेश होगा। इसलिए बेंची ने तेलंगाना की जनता से अपील की है कि वो बीएसपी को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें भी जितवाए कि यहाँ आज के तेलंगाना स्टेट में जब भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, आप लोगों को मालूम है कुछ महीने का बाकी बचे हैं, तो तब फिर यहाँ आपको अपने स्टेट में भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है। उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव हो, लोकसभा आम चुनाव में भी आपको अपने प्रदेश से पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद जिता कर लाने हैं, मेंबर पार्लियामेंट जिता कर लाने हैं। वैसे आज आपकी ये जो भीड़ है और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि इस बार आप लोग अपने प्रदेश से लोकसभा का आम चुनाव बाद में होगा, लेकिन लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा, जो पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा, तो विधानसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे तथा अपनी पार्टी की यहाँ हर हालत में जरूर सरकार बनाएंगे, यहाँ अपनी पार्टी की हर हालत में यह जरूर सरकार बनाएंगे। मायावती ने कहा कि आरएस प्रवीण उसी तरह से जनता का अच्छे से ख्याल रखेंगे जैसे यूपी में बीएसपी की सरकार ने अपनी सरकार के दौरान रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज भी बेहतर जिंदगी चाहता है तो उन्हें बसपा को सत्ता में लाना होगा। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि आपके राज्य सहित पूरे देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी पार्टी दिल से ये कतई भी नहीं चाहती है कि यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सके तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा पूरा आदर सम्मान मिल सके। इसलिए इनके ऐसे दिखावटी कृत्यों से, कार्यशैली से यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य अकलीत समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि इन वर्गों के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान देने के साथ साथ इन लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करके इन्हें खुद के अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को अपने स्टेट में भी, यानी कि अपने तेलंगाना स्टेट में भी यूपी की तरह ही विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम
वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भाईचारे के आधार पर जोड़ना है। मायावती ने इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस मुखिया के चंद्रशेखर राव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर दलित वोटर्स को लुभाने के लिए दिखावा करते हैं और दलितों को 3 एकड़ जमीन देने जैसे जो वादे हैं वो बसपा की कॉपी करते हैं, जैसे बसपा ने किया था उस तरह से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मायावती ने केसीआर की ओर से तेलंगाना के नए सचिवालय का नामकरण डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर करने और डॉक्टर अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने को भी वोट बैंक की राजनीति करार दिया। जबकि आपके यहाँ तेलंगाना स्टेट में बीएसपी के थोड़ा मजबूत होते ही अब यहाँ की वर्तमान श्री केसीआर की पार्टी की जो सरकार है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में खासकर एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कुछ सरकारी स्थलों के नाम रखने तथा उनकी ऊंची प्रतिमा लगाने व विभिन्न योजनाएं चलाने आदि की भी याद आने लगी है, जिसका वास्तव में पूरा क्रेडिट व श्रेय यहाँ की मौजूदा राज्य सरकार को नहीं जाता है, बल्कि बीएसपी के हर उन छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी आदि को जाता है, जिनकी वजह से अब यहाँ अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, जिससे घबराकर फिर यहाँ की वर्तमान राज्य सरकार को ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है तो हम उसको बदल देंगे, वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं है, लेकिन जब हमारे लोग इसके खिलाफ मैदान में उतरे तो अपनी इस कमी पर पर्दा डालने के लिए आपको खुश करने के लिए ये सब नाटकबाजी इनको करनी पड़ी है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है, जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। कि आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमजोर क्यों हो रही है, बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है। वहां पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बढ़ा, बराबर बढ़ा, और जब से चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट कहाँ चला गया है। तो उसमें काफ़ी हेरा फेरी की है, धांधली ये की जा, पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, स्थानीय पार्टी भी कर रही है, लेकिन जब ये लोग ईवीएम में धांधली करते हैं, कभी कभी धांधली करने वाले लोग जिनको ये इस्तेमाल करते हैं कभी कभी उनका सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को ठंडे होकर नहीं बैठना है, तो चाहे ईवीएम से कराएं, कुछ भी करें, आप लोगों को हर प्रकार की तैयारी करके तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बीएसपी ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का भी समर्थन किया था, इसलिए बसपा तेलंगाना आंदोलन से भी खुद को जोड़ने में कामयाब है। मायावती ने रैली के दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने लोकसभा में तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के बिल का समर्थन किया था। आप लोगों को मालूम है यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं थी, जब आंध्र प्रदेश आपसे आपका पड़ोसी स्टेट है तो जब ये तेलंगाना उसी का हिस्सा था तो तेलंगाना के लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे, इस क्षेत्र के लोग, कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट में पूरी दमदारी से आवाज़ उठाई और ये कहा कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनना चाहिए, और इनके इसके समर्थन में हमने पूरी तैयारी के साथ जब बिल आया तो हमने पूरा सपोर्ट किया, उसके समर्थन में वोट दिया।
मायावती ने तेलंगाना के महबूब नगर के दलित आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को बिहार की नीतीश सरकार की ओर से रिहा करने पर भी केसीआर की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि केसीआर ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। एक आईएएस ऑफिसर जाके बिहार में नौकरी करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो हत्या में शामिल होता है वहाँ के वर्तमान राज्य सरकार उसको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ का आपका मुख्यमंत्री चुप रहता है और कुछ आवाज नहीं उठाता है। बीएसपी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत हो रहा है। लेकिन यूपी में हमने जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको पूरा न्याय दिया, उनके ऊपर जुर्म जाति नहीं होने दी। हालांकि हमने जो फैसले लिए दूसरी पार्टियां उसकी नकल करने की पूरी पूरी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो लोग उसका फायदा आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तो बसपा कोई कमाल नहीं कर पाई थी। बसपा को सिर्फ 2.1% वोट ही मिले थे, लेकिन जब से आरएस प्रवीण ने तेलंगाना में बसपा की बागडोर संभाली है तब से तेलंगाना की पूरी राजनीति ही बदल गई है। आरएस प्रवीण जबरदस्त तरीके से बसपा का प्रचार कर रहे हैं और केसीआर सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। आलम यह है कि केसीआर को अब दलित वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के ऐलान करने पड़ रहे हैं। ऐसे में आरएस प्रवीण को काफी ताकतवर माना जा रहा है और अगर वो इसी जज्बे से काम करते रहे तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। मायावती ने उनका नाम जो ऐलान कर दिया है, उनके नाम का ऐलान करके ये चुनाव से पहले ही कर दिया है, जिसका ये मतलब है कि अब तेलंगाना में पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आरएस प्रवीण अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आपसे जो हमारे दर्शक हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बहुजन मीडिया को मजबूत करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? आरएस प्रवीण को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप देखना चाहते हैं? किस तरह की राजनीति आप वहां देख रहे हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।